सोने की चिड़िया से कभी मशहूर हुआ करता था भारत। भारत को यूं ही नहीं सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण था केजीएफ। दोस्तों, केजीएफ यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड्स एक समय भारत की सबसे बड़ी सोना उगलने वाली खदान थी, जिसके अंदर से 900 टन से भी ज़्यादा का सोना निकल चुका था। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का 95% से भी ज़्यादा सोना इस अकेले खदान से निकलता था, और तब भारत को दूसरे देशों से सोना खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन इस समय हाल यह है कि यह खदान बंद हुई पड़ी है। अब ऐसे सवाल तो उठता ही है कि इतना सोना उगलने वाले खदान को आखिर क्यों बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, आइए आज हम नज़र डालते हैं इस खदान के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। दोस्तों, कोलार गोल्ड फील्ड्स कर्नाटक राज्य के डिस्ट्रिक्ट में आने वाला एक माइनिंग रीजन यानी कि खनन क्षेत्र है, जो कि कोलार शहर से 30 किलोमीटर और कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। और एक माइनिंग रीजन होने के साथ ही यह एक टाउनशिप भी है, जहां पर आज 2,60,000 लोगों की आबादी रहती है। और दोस्तों, ये सभी वही लोग हैं जिनके पूर्वज दशकों पहले सोने की खदान में कार्य किया करते थे। साल 2018 से पहले इस खदान के बारे में जानना तो दूर, इसका नाम भी कभी नहीं सुना होगा। लेकिन 2018 में आई यश की फिल्म केजीएफ से यह नाम प्रचार में आया। बताया जाता है कि इस खदान में सोने की खोज किंगडम ऑफ मैसूर के समय से ही शुरू हो गई थी, लेकिन जब टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की नहीं की थी, माइनिंग का कार्य बहुत बड़े स्तर पर किया जा सकता था। और दोस्तों, सही मायनों में देखें तो बड़े स्तर पर से इस खदान से सोना निकालने का कार्य ब्रिटिश राज के दौरान ही शुरू हुआ था। अब भारत में ब्रिटिश राज शुरू होने से पहले भी इस जगह के अंदर सोना होने की खबरें छपती रहती थी, और यहाँ रहने वाले लोग अक्सर इस बात का दावा करते थे कि इस जगह पर सोना है। हालांकि भारत में ब्रिटिश राज आने के बाद से सन 1871 में माइकल लावेल नाम के एक रिटायर्ड ब्रिटिश फौजी को यहाँ सोने होने की उड़ती हुई खबर मिली, और उसको ऐसा लगा कि हो सकता है ये सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत में शायद इस जगह पर सोना सच में निकलता हो। माइकल के दिमाग में यह ख्याल आया कि क्यों ना इस जगह की माइनिंग की जाए। दोस्तों, उस समय खदान के अंदर अक्सर बहुत सारे हादसे भी हुआ करते थे, जिसमें कि एक साथ ही बहुत सारे मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ती थी। और एक सरकारी आंकड़े के अनुसार 120 साल तक चले इस माइनिंग में लगभग 6,000 मजदूरों ने अपनी जान गंवाई थी। अब यूं तो जॉन टेलर एंड सन्स कंपनी के आने के बाद से यहां पर माइनिंग का कार्य बहुत तेज़ रफ्तार से होने लगा था, लेकिन कंपनी अभी भी इस रफ्तार से संतुष्ट नहीं थी, और फिर कार्य की रफ्तार को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए सन 1890 में कंपनी द्वारा यहाँ उस समय की सबसे आधुनिक मशीनें लगाई गई। और दोस्तों, अंग्रेज़ों के द्वारा लगाई गई यह मशीनें इतनी ज़्यादा एडवांस थी कि यहाँ पर अगले 100 साल यानी कि 1990 तक इन्हीं मशीनों से ही माइनिंग की जाती रही। इस खदान में बहुत ही अंधेरा हुआ करता था, और फिर बिजली की ज़रूरत को पूरा करने के लिए भारत के अंदर अपने देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट लगाया गया, जिसे कि हम कावेरी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के नाम से जानते हैं। यानी कि जिस समय दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में बिजली पहुंच भी नहीं पाती थी, उस समय कोलार गोल्ड फील्ड्स पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हो गया था। और इतना ही नहीं, माइनिंग मशीनों को मिट्टी काटने के लिए जिस पानी की ज़रूरत पड़ती थी, उस जगह को पूरा करने के लिए केजीएफ के बेतमंगला टाउन के अंदर एक बहुत बड़ा आर्टिफिशियल झील भी बनाया गया था। और दोस्तों, ये सभी जरूरत पूरा करते करते साल 1902 आ गया था, और अब केजीएफ माइन भारत का अकेले ही 95% से भी ज़्यादा सोना प्रोड्यूस करने लगा था। दोस्तों, प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ ही इस इलाके की तरक्की भी काफ़ी हो गई थी, लेकिन यह तरक्की सिर्फ अंग्रेज़ों के लिए ही थी, वहाँ पर कार्य कर रहे भारतीय मजदूरों के लिए कुछ नहीं था। इस माइन के अंदर जो ब्रिटिश ऑफिसर बड़े अहदे पर कार्य कर रहे थे, उन्होंने अपने रहने के लिए यहाँ पर घर बनवाने शुरू कर दिए, और इस तरह से देखते ही देखते यह इलाका एक बड़े शहर में तब्दील हो गया। और यहाँ पर उस समय बड़े बड़े पक्के मकान, हॉस्पिटल, क्लब और गोल्फ कोर्स जैसी बहुत सारी चीज़ें बनाई गई। यहाँ तक कि शहर को उस समय मिनी इंग्लैंड तक कहा जाने लगा था। हालांकि शहर में यहाँ नज़र आने वाले ज़्यादातर सुख सुविधाएं सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश अफसरों के लिए ही थी। दोस्तों, आपको जॉन टेलर एंडरसन्स के बारे में बता दें कि यह एक कंपनी का नाम है, जिस कंपनी ने
उस केजीएफ में खुदाई का जिम्मा लिया था। जॉन टेलर एंडरसन्स के द्वारा सन 1880 में शुरू किया गया यह माइनिंग का कार्य लगभग 76 सालों तक इसी तरह से बिना रुकावट के सफलतापूर्वक चलता रहा। यहाँ तक कि देश के आज़ाद हो जाने के बाद भी 9 सालों तक केजीएफ में माइनिंग का कार्य इसी ब्रिटिश कंपनी के अंडर में रहा, लेकिन सन 1956 में यहाँ को राज्य सरकार ने इस माइन को अपने अधीन कर लिया। इसके बाद से 1972 में भारत सरकार द्वारा BGML यानी कि भारत गोल्ड माइन लिमिटेड नाम का एक PSO बनाया गया, जिसने कि इस खादान और यहाँ पर होने वाली माइनिंग के कार्य को अपने नियंत्रण में ले लिया। यानी कि 1972 में यह माइनिंग रीजन पूरी तरह से केंद्र सरकार के अंडर में आ गया। हालांकि दोस्तों, शुरुआत में जब यह माइनिंग का कार्य स्टार्ट हुआ था तब इस जगह की ऊपरी सतहों में ही सोना मिल जाता था, लेकिन जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ती गई सोना मिलने की मात्रा कम होती गई। भारत सरकार के हाथों में आई तब तक इसकी गहराई करीब करीब 3 किलोमीटर तक पहुंच गई थी, जिसके चलते उस समय दुनिया की दूसरी सबसे गहरी माइन कहलाई जाने लगी थी। और दोस्तों, इतनी ज़्यादा गहराई में इंसानों के लिए कार्य कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इस गहराई में टेम्परेचर लगभग 50 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी लगभग 95% होता है दोस्तों। और ये भी एक मुख्य वजह थी इस खादान की खुदाई को बंद करने का। 1880 में शुरू हुआ यह माइनिंग का कार्य 120 साल तक लगातार चलने के बाद से 2001 में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और इन 120 सालों में इस गोल्ड माइन से लगभग 900 टन से भी ज़्यादा का सोना निकाला गया था। और साथ ही खादान के बेहद गहरे हो जाने के वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट में भी लगातार वृद्धि हो रही थी। पूर्णतया सोना उस मात्रा में नहीं निकल पा रहा था जिस मात्रा में पहले निकलता था, और इन्हीं सब कारणों से ही इस माइन को 28 फरवरी 2001 के दिन हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और दोस्तों, इस खदान में माइनिंग बंद करने का यह फैसला काफ़ी अचानक से लिया गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले लोगों की ज़िंदगी पर इसका असर काफ़ी बुरा पड़ा था, क्योंकि जो इन खदानों में कार्य करते थे वो लोग रातों रात बेरोजगार हो गए थे। और माइनिंग बंद हो जाने की वजह से इस जगह पर बिजली और पानी की आपूर्ति भी ढंग से नहीं होती थी। साथ ही माइनिंग से निकलने वाले वेस्ट ने इस जगह के वातावरण को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले लोगों को बहुत सी हेल्थ इशू का सामना करना पड़ा था। और दोस्तों, एक समय जो जगह अपनी खूबसूरती और सुख सुविधाओं और साफ वातावरण के लिए मिनी इंग्लैंड कहा जाता था, आज वही जगह देखने पर किसी भयानक जगह से कम नहीं लगता। तो दोस्तों, ये थी KGF की कहानी। आपको कैसे लगी कमेंट में प्लीज़ बताना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ।